नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम लड़की के संग लव मैरिज करने से नाराज पिता ने अपनी बेटी को कफन ओढ़ाकर फूल माला पहना दी थी। थाने में हुए इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एक एएसआई और दो सिपाही लाइन अटैच कर दिए हैं। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाने का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में रहने वाली एक हिंदू युवती 1.5 साल पहले अपने एक मुस्लिम युवक के साथ घर से भाग गई थी। फिर उसने मुस्लिम मित्र से निकाह रचाकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। उधर युवती के पिता ने नाहरगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने तलाश की तो पता चला कि युवती निकाह के बाद अपने शौहर संग मुंबई में रहने लगी है। पुलिस के कहने पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए युवती नाहरगढ़ थाने आई हुई थी। मुंबई से वह अपने साथ वकील भी लाई थी। वहीं युवती की शिनाख्त और चर्चा के लिए उसके पिता को भी थाने बुलवाया गया था, जहां पुलिस को दिए गए बयान में युवती ने अपने परिवार से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह साहिल से निकाह कर चुकी है, अब वह उसी के साथ रहना चाहती है। समझाइश देने के बाद भी वह पिता के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद पिता ने थाने में ही अपनी जीवित बेटी को सफेद कफन ओढ़ाकर फूल माला पहना दी और कहा कि आज के बाद हमारे लिए तू मर चुकी है। थाने में चले इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी परिजन ने ही अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।